नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए सबसे पहले नजर डालेंगे झांसी की कुछ खास खबर। आज बुंदेलखंड क्रांति दल के राष्ट्रीय कार्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह के मुख्य आतिथ्य में एवं जिलाध्यक्ष मोहम्मद नई मंसूरी की अध्यक्षता में महिला क्रांति दल की मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में सभी महिलाओं ने पृथक बुंदेलखंड राज्य आंदोलन में सहयोग करने का संकल्प लिया। आज ममता निरंजन को भी प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि झांसी की पहचान ही महारानी लक्ष्मीबाई से है। अब हर नारी में महारानी लक्ष्मीबाई को जगाना होगा, तभी पृथक बुंदेलखंड राज्य का निर्माण संभव है। प्रदेश उपाध्यक्ष ममता निरंजन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पृथक बुंदेलखंड राज्य के बिना बुंदेलखंड का विकास संभव नहीं है। सभी पार्टियों ने बुंदेलखंड को छलने का काम किया है, लेकिन अब समय आ गया है जब मातृशक्ति को आगे आना पड़ेगा। जिलाध्यक्ष मोहम्मद नई मंसूरी ने कहा कि पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण आंदोलन के लिए सभी को सहयोग करना होगा। प्रदेश उपाध्यक्ष ममता निरंजन का सभी ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। आज की मीटिंग में मुख्य रूप से सपना रायकवार, भगवान दास, नीमा राजपूत, साक्षी निरंजन, शारदा पटेल, किसना, पुरुषोत्तम सिंह, संध्या निरंजन, संगीता पटेल, मोना वंदना, राखी, ममता कुशवाहा, किरण, ममता रायकवार, ऐश्वर्या, गायत्री, शगुन कपूर देवी, रेखा देवी, रेणु कुमारी, मीनू कुमारी, नेहा सिंह, खुशबू, शालिनी निरंजन, कृष्णा निरंजन, अनिल त्रिपाठी, देवेंद्र कुमार सहित कई लोग उपस्थित रहे। झांसी से मनीषा ली की रिपोर्ट। बुंदेलखंड क्रांति दल लगातार बुंदेलखंड राज्य के लिए आंदोलन में सक्रिय है। हमारी कोशिश है कि बुंदेलखंड राज्य जल्दी से जल्दी बने। तो ये झांसी की धरती तो महारानी लक्ष्मीबाई की धरती है। वीरांगनाएँ यहाँ इतिहास लिखती रही हैं। ममता निरंजन जी को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। इनके साथ आज यहाँ मीटिंग है हमारे बुंदेलखंड महिला क्रांति दल की। बहुत सारी महिलाएं आज आई हैं और सभी ने ये संकल्प लिया है कि बुंदेलखंड राज्य के लिए होने वाले आंदोलन में सभी लोग अपना सहयोग देंगे और इस लड़ाई को हम और तेज करेंगे। हमारा लक्ष्य होगा कि बुंदेलखंड राज्य जल्दी से जल्दी बने। इस सारे बातों को लेकर ही ममता जी को बनाया गया है और ममता जी पूरा कोशिश करेंगी इस आंदोलन को और तेज करने के लिए। धन्यवाद। ममता निरंजन, प्रदेश उपाध्यक्ष, बुंदेलखंड राज्य की लड़ाई लड़ेंगे।